देखिए आपका ये डॉग पुणे के अजूबे शो के एलिमिनेशन राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। क्यों? अरे क्यों क्या क्यों, देखिए इसे, क्या टैलेंट है इसमें। हा? सिर्फ ऐसे मुझे दिखते रहता प्यार से। अरे तो एहसान मानना चाहिए आपको कि आपको कोई तो प्यार से देखता है, नहीं तो आपके जैसे डोबे ऑर्गेनाइजर को तो खुद की बीवी भी प्यार से नहीं देखे। ये देखिए मैडम आप। एक मिनट उर्मिला। नहीं बस महेंद्र चलो चलो, नहीं नहीं हमको नहीं डालना है डोबे जैसे फालतू ने टुच्चे जैसे टैलेंट शो में हमारे बच्चे को। उर्मिला तू चुप रह। गुड बोले साहब, ये हमारा बिस्किट ना थोड़ा मूडी है बस। अच्छा है? तो इसका मूड तो चेंज ही नहीं हो रहा, सिर्फ ऐसे देख रहा है करके। नहीं होगा, इसका मूड चेंज होगा। एक दो मिनट बिस्किट, ए बिस्किट रख, तो इसको रख। गिटार बजाने की एक्शन करके दिखा अंकल को। ऋषि कपूर। अच्छा चल ठीक है बेटा, तू दामिनी के चड्डा साहब बन जा। सिखाया था ना मैंने। अच्छा ठीक है, भालू की एक्टिंग करके दिखा। कुत्ता भालू की एक्टिंग करता है? हाँ तो आप अगर मेन ऑर्गेनाइजर की एक्टिंग कर सकते हो तो मेरा कुत्ता भालू की एक्टिंग नहीं कर सकता? बोल बोले साहब, ऐसे ऐसे करते ही एक्टिंग है। कर है? एक बार आपका चांस है एलिमिनेशन राउंड के लिए, और इसका नहीं। ऐसा कोई हाथ जोड़ता है क्षमा करना। माफी के नाम पे मच्छर मार के चली गई थी तुम। तो आपने भी हमारी बेटी के बारे में कैसे कैसे बोला, तो मेरे मुंह से भी निकल गया गुस्से में। अब चलिए ना, मैं विनम्रता से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। हाँ वो एयर होस्टेस की तरह। नमस्कार। इस विमान, लेकिन सबके सामने तुमने मुझे ऐसा कहा ही क्यों? मालूम है क्या सबके हाँ। सामने मुझे ऐसा बोली कि ये सब रिकॉर्ड भी नहीं ना कर रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं ना, अभी अभी तो वायर लगाया, अभी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई है। ना मैं तो अपने दिमाग में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उसके लिए दिमाग होना भी तो चाहिए। हमने वादा किया था ना हमारी सुहागरात पे कि अरे हमारी सुहागरात थी, तू क्या शर्मा रहा है? शर्माना छोड़ और सुन, ये मेरी धर्मपत्नी, मेरी अर्धांगिनी, अखंड सौभाग्यवती ज्योत्सना बालकृष्ण गोखले, इसने और मैंने हमारी सुहागरात पर एक नई परंपरा शुरू की थी। मैं याद है ना ज्योत्सना? बोलो। हाँ हाँ याद है मुझे। ये लीजिए। ये कौन सी गोली? खराश की। रात भर गला ही साफ करते रहेंगे तो बातें कब करेंगे? ये खराश की गोली नहीं है। आपके गले में खराश भी तो नहीं है। है अच्छी चटपटी। ये लीजिए। अभी ये क्या? भेंट है। घर के बाहर गणेश जी की मूर्ति रहेगी तो विघ्न दूर रहेंगे। प्रतिम, अरे लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लाया ही नहीं। भेंट देने के पीछे भेंट पाने की लालसा नहीं थी मेरी। भेंट पाने के बाद भेंट देने की लालसा मेरी हो रही है तो तुम भी कुछ मांग लो। मैं क्या मांगू, आप कुछ सुझाव दीजिए ना। बेटी मांग लो। तो कोई वचन बिचन अधिकार मांग लो। हाँ ये ठीक रहेगा। तो फिर एक अधिकार दीजिए। यूं तो मैं आपसे 2 कदम पीछे चलना ही पसंद करूंगी, पर अब मैं आपकी अर्धांगिनी हूं तो अगर कभी मुझे लगे कि आप गलत हैं तो आपको इस शयन कक्ष में लाकर अकेले में मैं बोल सकूं कि आप गलत हैं। तेरा बोलने की क्या जरूरत है? हाँ डांट देना मुझे, लंबा चौड़ा लेक्चर पिक्चर सुना देना। हाँ ठीक, तो भेंट में ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। ज्योत्सना, मैं तुम्हें ज्योत्सना बुला सकता हूँ ना? ज्योत्सना, मेरे दिए हुए इस अधिकार का उपयोग तुम जब मर्जी कर सकती हो, लेकिन अकेले में, सिर्फ अकेले में। और तुमने सबके सामने मुझे क्षमा करना, गलती हो गई मुझसे, प्लीज। प्लीज बाळू। ये अभी भी शर्मा रहा है। अच्छा लगा थोड़ा बाड़ू बीड़ू बोला तो। एक बार और बोल दो। वो मैं प्राइवेट में बोलूंगी। ठीक, जब प्राइवेट में कुछ बोलने की नौबत आएगी तब। बर। लेकिन इस बार क्षमा। अब मिस्टर गोडबोले, आप इसका नाम अनाउंस कर दीजिए। अपना नाम सुनते ही ये फॉर्म में आ जाता है। आप ऐसे अनाउंस कीजिए कि द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज मिस्टर बिस्किट ठक्कर। हाँ प्लीज। चलो एक बार मान लिया कुत्ते का नाम बिस्किट है। हाँ। आपके कुत्ते का सरनेम भी है ठक्कर। हाँ क्यों नहीं, अरे ये हमारे बेटे जैसा है, इसीलिए तो अपना सरनेम दिया है इसे। ठक्कर गोद लिया है इसको हमने, गोद में खिलाया। हाँ गोद में खिलाया, पाल पोस के बड़ा किया है हमने इसे। 9-9 महीने पेट में पाला है। 9-9 महीने। 9-9 महीने पेट पे कुछ भी बोल रही है डोबी। उर्मिला बहन, महेंद्र भाई, बस कीजिए। आपका कुत्ता क्यूट है, इसका मतलब ये नहीं कि क्यूटनेस उसकी टैलेंट है। हा? आप लोग जाइए यहाँ से, बस हो गया। पापा प्लीज लीव इट ना, और आप नीचे उतरिए। इधर आइए प्लीज। गायत्री देखना, लेकिन गायत्री। अभिषेक हाय। डब्बा हो जाएगा आपका ये शो, डब्बा। चप्पल पड़ेंगे आप लोग को, चप्पल। अरे सैंडल पड़ेंगे। 18 नंबर के गमबूट पड़ेंगे। 18 नंबर के गमबूट पड़ेंगे। मम्मी पापा एक मिनट, बिहेव योरसेल्फ बोथ ऑफ यू। सॉरी। हाँ गायत्री सुनो ना, मुझे दरअसल बिस्किट की जरूरत है। देखा सुना आपने गोडबोले, कितना डिमांड में है मेरा बिस्किट। पापा प्लीज अभी अभिषेक की बात सुन लीजिए प्लीज। हाँ अभिषेक बोलो, क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है? बताता हूँ। दुनिया वाकई में बहुत छोटी है गायत्री, है ना? देखो ना जयंत भाई, तुम्हारी जीजा जी और मेरे पेशेंट, और अन्ना के जानी दुश्मन। फिर भी तुम लोग कल उन्हें घर पे बुलाने का चांस ले रहे हो। क्या करूं, विभादी जीत पकड़ के बैठे ना यहाँ आने की, इसलिए तो मैंने बिस्किट वाला प्लान सोचा है। वो सब ठीक है अभिषेक, पर हाउ, कैसे? अब सुनो, 11:30-12 बजे हम किसी भी तरह अन्ना को उनके कमरे में भेजेंगे। उसके बाद मैं चुपके से बिस्किट को उनके कमरे में भेज दूंगा और कमरा बंद कर दूंगा। अरे नहीं अभिषेक अंकल मुझे बहुत डांटेंगे। मैंने अपना ऐसा भयंकर जंगली जानवर उन पर खुला क्यों छोड़ा, ऐसा बोल के? नहीं नहीं, मैं बोल दूंगा ना कि तुम बाड़े में पूजा में थी और बच्चे बिस्किट को संभाल रहे थे और वो उनके हाथ से भाग निकला। नहीं अभिषेक, इतनी मुश्किल से हम दोनों की फैमिली के बीच में रिश्ते ठीक ठाक हुए और मैं बिस्किट को यहाँ लाई ही क्यों? अगर अंकल ने मुझसे ऐसा पूछा तो मैं ओके, एक्चुअली यू आर राइट, मैं विभाजी को बोल देता हूँ मत आना। अमूल दादा प्लीज मेरा फोन दीजिए। अरे आराम से। रहने दो, अंकल का दिल ना दुखे इसलिए तुम लोग अंकल के खिलाफ ही साजिश कर रहे हो। मैं डांट सुन लूंगी अंकल की। Are you sure? I'm very sure. Okay, तो फिर कल मिलते हैं, हाँ? ए गायत्री! अरे बाप रे, कितना जोर से चिल्लाते हैं ये गुजराती लोग। लेकर कहाँ चिप गया है तू? 2 मिनट में बाहर आ जा, वरना उसी मोबाइल से तेरी पीटी हुई अवस्था में फोटो भी खींचूंगी। मंजार, मंजार! ए भारती। हाँ ना, जरा धीरे बुलाओ। बराबर। मंजार, हे मंजार, मोबाइल लेकर कहाँ चिप गया है तू? 2 मिनट में बाहर आ जा, वरना उसी मोबाइल से तेरी पीटी हुई अवस्था में फोटो खींचूंगी। भारती, हाँ? ये भारती अभी इतना धीरे बुलाओगी क्या? हाँ? इधर है क्या मंदार? इतना धीरे बुलाओगी तो बेचारे मेरे मंदार को कैसे सुनाई देगा? हाँ? ए मंदार! अगो भाई, ये तेल क्यों है ना? किसी ने मुझे चुनौती दी है ना, तो मुझे भी तो तैयारी करके रखनी पड़ेगी। ये सरसों का तेल लकड़े पे लगाने से लकड़ा मजबूत हो जाता है। अरे 10-25 हो गए। अभिषेक, अरे यहाँ से क्या आ रहे हो? अमूल दादा, मैंने 40 मच्छर मारे। आराम से प्लीज, आराम से, आराम से। मैंने ना 40 मच्छर मारे। लेकिन आप तो 3 उंगलियां दिखा रहे हैं। तो 3 घंटे में 40 मच्छर मारे मालूम। चलो चलो जल्दी चलो, अभी कर्फ्यू का टाइम शुरू हो जाएगा। 1 मिनट, कर्फ्यू मतलब? वो क्या है ना, हमारे अन्ना 10:30 बजे राउंड पे निकलते हैं डंडा लेके। उस वक्त कोई भी जागता हुआ नजर आया तो हम सब 10:30 बजे सोते और 5:30 बजे इकट्ठे जागते हैं। हाँ, चलो अभी जल्दी चलो। स्वीट स्वीट। इस जमाने में ऐसा डिसिप्लिन, आई विश मेरी फैमिली भी ऐसी होती। तो तुम आ जाओ ना हमारी फैमिली में रहने के लिए। तुम एक काम करो, तुम ना बंडिया, नहीं बंडिया छोटा है और मैं थोड़ा बड़ा हूँ, तो तुम एक काम करो, तुम अभिषेक से शादी कर लो तो तुम हमारे घर की बहू बन जाओगी। अमूल दादा क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी सॉरी गायत्री प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके। चलो हाँ बोल दिया, लेकिन तुम कोकोनट से ब्राह्मण हो। अमूल दादा प्लीज क्या बोल रहे हो आप? ये लोग गुजराती है, हमारे ज्ञाति के कैसे हो सकते हैं? अरे हाँ, तो तू भाग जाना इसके साथ, भाग के शादी कर ले भी बने की। वैसे अमूल दादा आप कुछ भी बोल रहे हो, अभी चलिए जल्दी चलिए। ओके गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। भाग रहे हो, चलो चलिए ऊपर।